मंदिर के चारों तरफ ऐसे कलाकृतियां हैं और ये क्षत्रिय जैसे लड़ते थे पहले ढाल और तलवार लेके वैसे लड़ रहे हैं, घोड़े हैं और रथ है, काफी कुछ है। और वहां पे डोली है एक दुल्हन की। एंड अंदर चलते हैं। हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। अभी मैं हूँ देव बलोदा के प्राचीन शिव मंदिर में, जो कि काफी फेमस है और काफी पुराना है। तो इस वीडियो में आपको मैं शो करने वाली हूँ, दर्शन कराने वाली हूँ शिव जी के, जो कि देव बलोदा के प्राचीन शिव मंदिर में है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, व्लॉग को आखिरी तक देखना। सो गाइस, ये है देव बलोदा का जो प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ का एंट्री। तो एंट्री गेट है ये, यहाँ से एंटर करने वाली हूँ मैं। गाइस, आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे देव बलोदा मंदिर का। तो ये वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। मैं आगे चलती हूँ, आपको आगे मंदिर दिखाती हूँ। ये गार्डन की तरह ऐसे अच्छे से सजाया गया है बाहर जो है मंदिर का। और ये जो मंदिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे घोड़े बने हुए हैं इस मंदिर पे। बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे कलाकृतियां बनी हुई हैं, जैसे बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में बनाया जा गया होता है। ये देखिए, यहाँ पे कलाकृतियां बनी हुई है, ये पूरे मंदिर में है ऐसी कलाकृतियां, थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट। सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये चेयर्स भी लगाए हुए हैं बैठने के लिए। आगे ये नंदी जी हैं, तो इनको अभी ढक के रख दिया गया है। अभी दोपहर भी है, मतलब 4 बजने वाले, उतना भी दोपहर नहीं है। सो ये नंदी जी है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे चेयर्स हैं एंड गार्डन्स हैं। और ये कुंड है, इधर से कुंड जाने का रास्ता है। कुंड भी आपको मैं दिखाऊंगी, पहले मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। सो मंदिर के चारों तरफ ऐसे कलाकृतियां हैं और ये क्षत्रिय जैसे लड़ते थे पहले ढाल और तलवार लेके वैसे लड़ रहे हैं, घोड़े हैं और रथ है, काफी कुछ है। और वहां पर डोली है एक दुल्हन की। एंड अंदर चलते हैं, चप्पल उतारते हैं यहाँ पे। सो ये पत्थर के बने हुए हैं ये जो सीढ़ियां हैं। वैसे तो पूरा मंदिर ही मेरे को पत्थर का बना हुआ लग रहा है, और काफी अच्छा मतलब कारीगरी करा गया है इनके खंभों में। ये थोड़ा सा इनका पैर थोड़ा खंडित लग रहा है मेरे को, और खंडित का मतलब होता है आधा टूटा हुआ। ओके, एंड ये ऐसे है बहुत सारे खंभों में ऐसे ही कारीगरी की गई है। ये इधर भी, और पूरा मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है, ऐसा है मंदिर। अंदर चलते हैं। मंदिर का जो दरवाज़ा है उसमें भी नटराज का पोज बना हुआ है, भगवान है वहाँ पे भी। और अंदर ये गेट है, छोटा सा गेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और फिर अंदर ऐसा है, अंदर भी जाने के लिए ये थोड़ा अंदर जो है ना, ये थोड़ा नीचे में बना हुआ है। अंदर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ दी हुई है, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। अंदर भी ये मूर्तियाँ लगी हुई है अलग अलग भगवानों की। और मैं डर गई थी गाइस, तो अंदर चलते हैं, गिरना नहीं। हाँ, थोड़ा बच के, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत छोटी बनी हुई है, ये कुंड सा लग रहा है। और मे बी यहाँ पे पानी भी भरता होगा, बिकॉज बाहर कुंड है तो ऐसा। तो ये है यहाँ के शिव जी। एंड यहाँ पे एक और भगवान है, यहाँ पे आई थिंक कोई माता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ चढ़ी हुई है। और ऐसा है ये मंदिर, आपको ऊपर दिखाती मैं आपको। सो ये इसका ऊपर है, ऊपर का एरिया। सो ये ऐसे मूर्ति में यहाँ पे कुछ वो लिखा है, मूर्तियों में कुमकुम बंधन चावल ना चढ़ाएं एवं अगरबत्ती ना जलाएं एवं नारियल बाहर फोड़े आदेश अनुसार। सो यहाँ से चालू करते हैं। बजरंग बली जी लग रही है देखने से तो। ये फिर से बाहर की तरफ दिख रहा है हमें ये। गाइस, ये बाहर से अंदर आने की सीढ़ियां हैं और ऊपर भी इसी से जाएंगे हम।
ये काफ़ी छोटी बनी हुई है, ये एक पैर भी रखने के लायक से छोटी है। तो बाहर चलते हैं। ये ऐसे ऊपर से बनाया गया है, फिर ये काफ़ी नीचे शिव भगवान जी हैं। सो गाइस, अभी मैं मंदिर से बाहर आ गई हूँ, अब आपको कुंड दिखा देती हूँ। इधर से भी कुंड पे जाने का रास्ता है, यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हैं। तो आगे चल रहे हैं हम लोग। ये सीढ़ियाँ हैं, सो ये वो रास्ता था जिधर हमने चप्पल रखे हैं, और ये वो कुंड है। ओके, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, ये मछलियाँ तैर रही है यहाँ पे, ये देखो। और हम आगे आते हैं तो यहाँ पे कछुए हैं, वो रियल कछुआ था। ओ माय गॉड, ये एक और कछुआ है, ये तो चल भी रहा है। हाय हाय, वाओ, साथ साथ मछलियाँ भी हैं। सो काफ़ी सारे कछुए भी हैं यहाँ पे, वहाँ पे कछुआ का झुंड भी है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे देख के वो लोग सब भाग रहे, कछुए जितते हैं वहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे थे, लगभग 10 कछुए थे एक साथ। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कछुए थे, ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा। और यहाँ पे देखो, मुझे मेरा आवाज़ सुन के ये सब भाग रहे हैं। तो ये है यहाँ का कुंड और ये है मंदिर। गाइस, मंदिर के बाहर थोड़ा आगे नंदी जी जिधर हैं उधर से थोड़ा और आगे, ये एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी पूजा वगैरह हुई है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे मूर्तियाँ रखी हुई है, कलाकृतियाँ रखी हुई है, वो किसी भगवान के ही होंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब मूर्तियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। जब पूजा होता होगा तो ये गेट भी ओपन होता होगा। गाइज, ये था देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कलाकृतियाँ हुई हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप पास पास रहते तो प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे घूमने। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ विजिट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।